फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी चिकन की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। आधा किलो से ऊपर चिकन है, थोड़े से काजू लिए हैं, हल्दी ली है, धनिया लिया है, लाल मिर्च और नमक लिया है, 2 चम्मच दही लिया है, गरम मसाले में हमने थोड़ा सा जीरा लिया है, काली मिरी ली है, थोड़ी सी लौंग ली है, दालचीनी ली है, इलायची ली है और फूल लिए हैं। मसालों में हमने काजू भी ऐड किया है। हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और इसे पीसेंगे और मैरिनेट करेंगे चिकन। चिकन को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद में हम आगे की रेसिपी बनाएंगे। अब मसाले के लिए हमने 3 प्याज लिए हैं, लच्छेदार काटा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है 2 चम्मच और जो मसाला हमने दिखाया था उसे रोस्ट करके पीस लिया है, 1 टमाटर है, थोड़ा सा धनिया है, थोड़ी लाल मिर्च है, थोड़ी लहसुन है और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार है। गैस ऑन करेंगे, 2 तेज़ पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी काली मिरी डालेंगे और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। 4 चम्मच हमने तेल डाला है, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद में हमने जो मसाले दिखाए थे आपको गर्म मसाले वो डालेंगे। ये हमने इसमें गर्म मसाले डाल दिए हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। और अब हम इसमें हमारे प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो मैरिनेट किया था वो चिकन इसमें डाल देंगे और चिकन को अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब दही ऐड करेंगे। अब हम इसमें हमारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ा सा इसमें पानी डालें और इसे कम आंच पर अच्छे से भूनने के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब हमारा गोश्त भून चुका है, थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक और भूनेंगे। अब लास्ट में हम इसमें गरम मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था वो डालेंगे और इसे कम आंच पर 5 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।